एकता नगर है। अप्पा गारू को ये प्लॉट किसी भी कीमत पे चाहिए। तो इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि यहाँ अलग अलग जात और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म, फिर तो ये काम और आसान है। हमें सिर्फ दो जानवरों की जरूरत है, एक ही रात में ये एकता नगर एक था नगर हो जाएगा। पहली बार देखा तुमने? देखिए कराने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बताओ। अच्छा पानी पानी चला रहा, देते हैं ना, सुबह से चला रहा है, दिमाग खराब कर दिया। तक इस हॉस्पिटल में जितने भी पुलिस वालों को देखा है, या तो जख्मियों का बयान लेते हुए या मरने वालों का पचनामा करते हुए, जिंदा इंसानों के लिए इतनी हमदर्दी का जज्बा मैंने किसी में नहीं देखा। आई एम खान हिंदुस्तानी। आई एम इंस्पेक्टर राम यादव। नाइस मीटिंग यू सर। वायरलेस से आपके लिए मैसेज। चलो एक्सक्यूज मी सर। अरेस्ट हुए आदमी ने अपने बयान में वीडियो टेप पर कबूल कर लिया है एकता नगर के फसाद में किसका हाथ है। कौन है वो? अप्पा राव।
तुम यहाँ? दशहरे के दिन राम को रावण के पास आना ही पड़ता है। आज ही के दिन राक्षसों पर देवता की विजय हुई थी। इंसानियत के तराजू के एक पलड़े में पुण्य था और एक में पाप। मैं तुम्हें एकता नगर के फसाद के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। ये अरेस्ट वारंट। नहीं, हर हिंदुस्तानी को कानून का इज्जत करना चाहिए। इंस्पेक्टर गारू को अपना काम करने को दो, हम अपना काम करेगा। योर ऑनर, एकता नगर में हुए हादसे की तफसील मैं अदालत में दोहराना नहीं चाहता, लेकिन सैकड़ों लाशें इस बात की गवाह हैं कि जात पात के नाम पर बड़ी बेरहमी से लोगों को लड़वाया गया और अपर और उनके आदमियों ने मौत का यह भयंकर खेल खेला, जिसके पीछे सिर्फ एक मकसद था, और वो मकसद था एकता नगर से गरीबों को हटाकर वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना और करोड़ों रुपए कमाना। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, हम ये पूछना चाहता हूँ कि वकील साहब के पास में क्या सबूत है, क्या सबूत है कि अपर राव जी ने ही एकता नगर में फसाद करवाया था? योर ऑनर, एकता नगर से पुलिस ने अपर राव जी के जिस आदमी को गिरफ्तार किया उसका बयान इस वीडियो कैसेट में रिकॉर्ड है, जिसमें उसने खुद कबूल किया है कि वहां जो कुछ हुआ अपर राव के इशारों पे हुआ। वीसीआर और टीवी का इंतजाम किया जाए। करनी, ये क्या हो रहा है? सर, ये तो वही कैसेट है जिस पर बयान रिकॉर्ड किया गया। शांत, योर ऑनर, अब ये तमाशा जारी ही रखवाइएगा या इसे बंद भी करवाइएगा? अब क्या कोर्ट में इस बात पर भी बहस करनी होगी योर ऑनर कि चोली के पीछे क्या है? अपर राव जी, सर, ये अपर राव को बचाने की साजिश है। ये कैसेट को बदला गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये काम पुलिस डिपार्टमेंट ने किया है। ये कैसेट आपके डिपार्टमेंट से सीधी अदालत में आई है। ये अदालत अप्पा राव को निर्दोष मानते हुए इस केस से बाइज्जत परी करती। नमस्कारम, वेलकम इंस्पेक्टर गारू, वेलकम। चंपे सौ, चंपे सौ, कोर्ट में कैसेट बदलकर तुम अपना तकदीर बदल दिया इंस्पेक्टर। तुम्हारे जैसा ऑफिसर हमको बहुत पसंद है। नमस्ते सर। हवा जिधर को चलता है आदमी को उधर ही चलना चाहिए। सही है सर। हवा का ऑपोजिट चलेगा तो आंख में कचरा जाता है। बिल्कुल सही सर। बहुत आगे बढ़ेगा इंस्पेक्टर, बहुत आगे बढ़ेगा। सब आपकी मेहरबानी है अप्पा गारू, बस आपका हाथ सर पे रहना चाहिए। लो, नमक खाओ, जितना खाना है उतना नमक खाओ। इसको, इसको। थैंक यू वेरी मच। बस मैं भी चलता हूं। हेलो, थैंक यू। कपड़ा में बड़ा बड़ा पॉकेट लगाओ, अभी तुमको अप्पा राव का बहुत बड़ा बड़ा काम करने का है। तो ब्लैक चल रहा है। कौन सा नया बात है? रोज चलता है मैडम, बड़े बड़े अफसरों को मालूम है। धंधे का टाइम है, टेंशन मत दे, तेरा हफ्ता तेरे को पहुँच जाएगा। चल शानी बन जा, चल। हवलदार, इसकी सारी टिकटें छीन लो। यस पूजा, मेरा मतलब है यस इंस्पेक्टर। साला ब्लैक करता है।
और फिर भैये ये काम इतना कोई मुश्किल तो था नहीं, जरूरत थी तो सिर्फ कुछ हिम्मत की, साल के और प्रॉपर्टी की। तो हिम्मत तो ली हमने अमिताभ बच्चन से, गायल हमने अपनाई रजनीकांत की, और रहा सवाल इस जीप का तो ली अली भाई के गराज से, और भैया छगन लाल ड्रेस वाले के तो क्या कहने, डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, इंस्पेक्टर बन जाओ। तो हम पहुंचे सिनेमा हॉल, एक रजनीकांत के स्टाइल में थप्पड़ मारा, 32 की जगह आ गई टिकटें हाथ में। एक नकली इंस्पेक्टर टिकट छीन के चली गई और तू मुंह देखता रह गया, कौन थी वो नकली इंस्पेक्टर? अरे बता, दादा वो बिल्ली के बड़े वाली थी, उसे भाग, पकड़ो इन सबको। मुझे खत्म हो जाना चाहिए संजय, हो जाएगा जी, अरे आखिरी वार्निंग है तुम्हें। यस सर, चलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप राम यादव? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? अरे आपने मुझे नहीं पहचाना, कमिश्नर साहब के यहाँ पार्टी में, पांडे साहब के बर्थडे पार्टी में। हाँ, पांडे साहब के यहाँ बर्थडे पार्टी में, शायद आपने हमें पहचाना नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। एनीवे मैनेजर साहब। हाँ जी बहन जी। आपका क्या मैनेजमेंट है इस थिएटर का? हाँ, क्या शरीफ लोग यहाँ पर फिल्म देखने नहीं आ सकते? क्या हुआ बहन जी? क्या हुआ? क्या हुआ? आपके इस थिएटर में गुंडों ने हमें इतना परेशान किया कि बिना देखे ही हमें फिल्म छोड़कर जाना पड़ रहा है। वो गुंडे कहाँ हैं? हम लोग इधर हैं इंस्पेक्टर। अरे गुंडे जी, छोकरी को पकड़ और पैसा वसूल कर इसे। क्योरी, हमारी ब्लैक की टिकटें छीनकर भागी थी तू? अरे अरे बाप रे, तुम लोग सब ब्लैक वाले हो? वेरी गुड। हाँ ब्लैक करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर पुलिस को आंख कान और मुंह बंद रखने का हफ्ता देते हैं। चल फोड़ यहाँ से। ग्रह मुबारक हो, यानी कि हैप्पी बर्थडे। कमाल कर दिया तुमने राम, सारा घर खिलौनों से भर दिया। अरे लोग बच्चों के सालगिरह मनाते हैं और तुम महीना ग्रह मनाते हो। वेरी सिंपल भाभी, दुनिया में आने से पहले लोग महीना ग्रह बनाते हैं, दुनिया में आने के बाद लोग सालगिरह बनाते हैं। अब ये देखो, ये है भालू, कैसे ड्रम बजाता है ये, क्या लगा ना, पकड़ो इसे। और ये हमारे मुन्ना के लिए एक रॉबर्ट, ये देखो ये बत्ती चालू हो गई, पकड़ो इसे भी। अब ये भाभी, मैं ये सोच रहा हूँ कि पिछले 5 महीनों से मेरे तनख्वाह के आधे पैसे इन खिलौने पर खर्च हो जाते हैं, और ये जो अंदर बैठा हुआ है, इसने अभी तक मुझे थैंक यू नहीं बोला। चल बे थैंक यू बोल, चल चल अपने चाचा को थैंक यू बोल, चल चल थैंक यू बोल, चल जल्दी बोल। लौट मोड़ते ये, अरे ब्रूसली की छठी औलाद चूसली बहुत हाथ पांव चलाता है, आखिर अपने चाचा पे गया। चाचा पर गया नहीं, गई है, मुझे एक लड़की की आस है। अजीब बात है भाभी, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि एक लड़का हो, और आपको एक लड़की चाहिए। मुझे लड़की वड़की बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे एक लड़का चाहिए। यूं ताली बजाएगा। इस घर में लड़का ऑलरेडी है। लड़का है? कहाँ है, कहाँ है लड़का? मेरे सामने। जैसे तुझ जैसा बेटा मिल जाए, उसे दूसरे बेटे की क्या जरूरत है?
इधर देख, क्या तुझे मुझ में अपनी माँ नजर नहीं आती? हाँ भाभी, भाभी आपने कभी मुझे माँ की कमी का एहसास होने नहीं दिया। कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा, लेकिन इसके चक्कर में मैं नहीं आऊंगा, मुझे एक भतीजा चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं। एक लड़का, एक लड़की, छोटा सा घर, प्यारा प्यारा, यही संदेश दे रहा है देश हमारा। वाह भैया वाह, वाह भैया क्या बात है। भाभी आपके प्यार ने एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव को शायर बना दिया। अरे ओ पूजा, क्या घड़ी घड़ी ऑन ऑफ कर रही है, तुझे मालूम नहीं बल्ब फ्यूज हो जाएगा? अरे यार तुझे एक बल्ब की पड़ी है, यहाँ मैं तो पूरी फ्यूज हो गई हूँ। क्या यह लड़ता है ना? कौन, वो दाढ़ी वाला ना? छी, मैं तो राम की बात कर रही थी। अगर रजनीकांत भी उसे लड़ते हुए देख लेना तो सच यार शर्म से पानी पानी होके बह जाएगा। कैसे चलती हुई गाड़ियों पे भाग रहा था है ना? सिर्फ गाड़ियों पे ही भागता है। देख उसके बारे में ऐसी बातें मत कर, देख मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है, यहाँ देखिए मेरी चोटी भी खड़ी हुई है। यार तेरी चोटी छोड़, पहले उससे मिलने का कोई बहाना सोच। Excuse me. Hi, कितना handsome छे। May I come in? आओ नहीं. Sit. Sitting. बोलो, क्या लोगे? चाय, कॉफी, के ठंडो? Yes, madam. जल्दी ठंडा ले आओ। Okay, madam. बच्चे की एडमिशन मिल जाएगी यहाँ? बच्चे का एडमिशन? ये भी शादीशुदा है। बच्चा किधर है? जी वो अभी दुनिया में आने वाला है। यही प्रॉब्लम है अच्छा स्कूल बनाने का, बच्चा पैदा होने से पहले 3 साल पहले माँ बाप आ जाते हैं बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। ए, कौन बोला तुमको ठंडा लाने को? ले जाओ भाई वापस। नाम बोलो। जी आप मेरा नाम जानना चाहती है? अरे बच्चे का फॉर्म भरने के लिए उसके बाप का नाम लिखना पड़ता है ना, तुम स्कूल गए कि नहीं? बच्चे के बाप का नाम राज यादव, बच्चे के चाचा का नाम राम यादव, मैं बच्चे का चाचा हूँ और अभी तक कुआरा हूँ। कुआरा? जी। ठंडा वापस ले आओ ठंडा ले आओ। लीजिए, शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैडम, साहब क्लास देखने आए हैं। ये देख चॉकलेट, और एक दूंगी और एक। हाँ अंकल को क्लास में जाके क्या बोलेगा? अंकल शुशु आई है। अंकल शुशु आई है। जाओ करो फिर बेटा। अंकल सुसु आई है। अंकल सुसु आई है। मैं क्या करूँ बेटा, जाओ करो। मैं क्या करूँ, जाओ बेटा सुसु आई तो कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ इसमें, तो मैं क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। जाओ करो।
कितना काम पटाना है। अरे तुम लोगों की ये मुश्किल हल करने मैं आऊंगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पे शौचालय बनाऊंगा। जा झाड़ी के पीछे जा, नन्हे मुन्ने न शर्मा, जा झाड़ी के पीछे जा, नन्हे मुन्ने न शर्मा। भगवान भी कितने दयालु हैं। हमारे लिए आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को कॉलेज में जो भेजते हैं। देखो, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन तुम तो इन्हें पसंद हो। हाँ, आप तो हमें बेहद पसंद हैं। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज। हाँ? कमाल कर दिया आप जैसी खूबसूरत और प्यारी चीज को हम भगवान के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आती है, शर्म तो बहुत आती है दोस्तों। कौन सी जगह बताई आपने? बोरीवली खंडर। पहुंचता हूं मैं। राम बन जा श्याम बेटा।
देखो देवियों, मुझे मत छेड़ना। आप देवियों में से किसी ने मुझे घर पे फोन किया था। वो फोन हमने किया था हैंसम, ताकि तुम्हें इस वीराने में बुलाकर तुम्हारी इज्जत के साथ खेला जाए। देखो, मैं एक शरीफ और कुंवारा लड़का हूँ। मेरे दामन पे दाग मत लगाना, मैं तुम्हारे चरण। ये गोरा बदन, ये हुस्न, ये जवानी, ये सब हमारे लिए है। अटैक? ये अटैक क्या होता है? अटैक! अटैक हो गया मेरा! अरे लूट लिया मुझे, मार दिया मुझे लोगों ने, अरे छोड़ दो मुझे, बचा, बचा! इस मुक्ति तेरी तो। बीवी जी, इन पैसों ने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे सब जगह चूमा, मेरी शर्म फाड़ दी, मैं क्या करूं? अकेले लड़के को देखकर ऐसे छेड़ती हो सारी? क्या तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है? अबे शानी, ये तेरा भाई लगता है क्या? जब सही वक्त पर नहीं आती तो मैं किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है? अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? हाँ जी। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। चलो चलो घर। इधर और नहीं तो कहां से? चलो। तू क्या समझती है, तेरे जहाँ से मैं आ जाऊंगा? आइंदा ऐसी हरकत की ना तो अंदर कर दूंगा। इडियट। उसी का तो इंतजार है। शट अप। पकड़ ले। मुझे मुझे कुछ बात बनी? कहाँ यार, दिल कुछ चल कर चला गया। कमीना कहीं का, चल किसी दूसरे को पटाते हैं। चल शट अप, मुझे क्या तेरे जैसा समझा है? मम्मी डार्लिंग, जब कौवा बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है? किसी के आने का संदेश देता है। यहाँ किसी के आने का नहीं, जाने का संदेशा दे रहा है। जाने का? मैं जा रही हूँ। कहाँ? बस मैं जा रही हूँ। Jingo baba de haya mama kosa umba ekele akuma to bonga bomba samate aboja oja 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 moja be hasina gori gori hasina gori gori churaya dil mera bina puche chori chori ho meri chatpati ho mere bas mein nahi armaan meri aankhe ab har din dekhe ek naya sapna Mama,
बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल सुना है। भीगा भीगा ये समा, ये मौजों का शोर, ऐसे में चलता नहीं आशिक दिल पे जोर। हर भीगा भीगा ये समा, ये मौजों का शोर, ऐसे में चलता नहीं आशिक दिल पे जोर। गोरी गोरी चुराए दिल मेरा बिना पूछे चोरी चोरी, हो मेरी चटपटी हो मेरे बस में नहीं अरमां, मेरी आंखें अब हर दिन देखे एक नया सपना। शुगा ढुगा जिंगो बाबा डे, हैया मामा कोसा कुंबा ये केले, आको माता बुंगा मुंबसा माटे, आबो जा हो जा हो जा हो जा हो जा बे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, अगर आप
इसे यहाँ काम पर रख लेंगे ना तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। काम पर? हाँ दीदी काम पर। सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप जो काम चाहो सब करूंगी। 7 बजे के बाद हमें दिखता नहीं है ना। शाम को 7 बजे के बाद दिखाई नहीं देता? हाँ वो कादर खानी बीमारी है ना हमें। कादर खानी बीमारी? वो दीदी आपने पिक्चर देखी थी बोल रहा था बोल। हाँ उसमें कादर खान को 7 बजे के बाद दिखता नहीं है। किस बेचारी को भी वही बीमारी है। अच्छा तो फिर आपने इसे काम पर रख लिया ना? हाँ खुल गए रे तेरे। हमने कहा था ना कि शकुंतला दीदी का दिल बहुत बड़ा है। देख लिया अब इस घर की बन के रहना दिल जीत लेना। भाभी 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 क्या हुआ? ये लड़की कौन है? ये पूजा है। पूजा? कौन पूजा? जौनपुर की रहने वाली है। वो राम मंदिर वाले पंडित जी है ना उनकी बेटी है। मैंने इसे काम पे रख लिया है। ओ, काम वाली भाई है? ये मेरे देवर हैं, पुलिस में हैं। नमस्ते करो। नमस्ते जी। ठीक है ठीक है। अरे घूंघट तो हटाओ, ये जौनपुर नहीं बम्बई है बम्बई। दीदी पुलिस वालों से हमें डर लगता है। क्या हम पुलिस वाले खा जाएंगे तुम्हें? नहीं खाएंगे, ऐसी बात है तो हटा देते हैं। तुम? मुझे बचाओ। थैंक यू। चोट बहुत गहरी आई है क्या? तुम इस घर में कैसे घुस आई? पहले तुमने मुझे खंडर में बुलाया, फिर मेरा रेप करने की कोशिश की। भाभी भाभी शी इज अ रेपिस्ट। दीदी ये क्या खंडर, क्या कह रहे हैं वो? रा, रा? रेप। हाँ वही वही, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है जी। दीदी आप बताओ ना इन्हें, हम तो आज सुबह की गाड़ी से बम्बई आए हैं। राम ये क्या कह रहा है तू? तू जानता है इसे? भाभी अच्छी तरह जानता हूँ इस लड़की को। बॉम्बे की लड़कियों में से सबसे बड़ी फ्रॉड लड़की है ये लड़की। दीदी हम आपसे फिर से कह रहे हैं इनको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा इन्होंने जरूर हमारे शक्ल की कोई और देखी होगी। हाँ मेरे सर में दर्द कर दिया इस लड़की ने। सर में दर्द है? नो प्रॉब्लम इमामी मेंटो प्लस बाम लगाइए। तेरी तो ही मामी थी। अच्छा वो भाग गया। भाभी ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है। उस दिन उसने ब्लैक वाले को बेवकूफ बनाया था। दिन भर मुझे फोन करती है और आजकल तो रात को भी। रात में? अरे इस बेचारी को तो रात को दिखाई नहीं देता। खुद इसकी सहेली लाजो कह रही थी तुम पुलिस वालों को बस एक ही बीमारी है, हर किसी पर शक करते रहते हो। भाभी मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ मत समझाओ, बिना वजह एक गरीब लड़की को परेशान कर रहे हो। जाओ जाओ तुम ऊपर जाओ। भाभी ये गरीब नहीं है। अरे तुम जाओ। कोई बात नहीं, देख लूंगा तुझे मैं। ये दीदी ये क्या है? अरे तू हंस क्यों रही है? दीदी इतने छोटे मोजे आपको थोड़ी आएंगे। नहीं पगली ये मेरे लिए नहीं, आने वाले नन्हे मेहमान के लिए है। दीदी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप भी औरत जात हम भी औरत जात, फिर आपके पेट की तरह हमारा पेट बाहर क्यों नहीं निकला? क्या बताइए ना दीदी। जब वक्त आएगा ना तो सब समझ जाओगी। वो तो ठीक है लेकिन ये तो बताइए ये निकलता कैसे है? अरे पगली जब मर्द हाथ पकड़ लेता है तो ये हो जाता है। लेकिन दीदी बचपन में जौनपुर में तो कई लड़कों ने हमारा हाथ पकड़ा लेकिन हमारा तो पेट बाहर नहीं निकला। बताइए ना हाथ पकड़ने से कैसे निकल सकता है बाहर? हे भगवान मर्द पहले हाथ पकड़ लेता है फिर चूम लेता है और फिर ये हो जाता है। अब इसके आगे अगर तूने कुछ भी पूछा ना तो दूंगी। समझ गई समझ गई। पहले मर्द हाथ पकड़ लेता है फिर चूम लेता है फिर पेट निकल आता है। अरे दीदी आप कहाँ? हाँ वो राम नहा रहा है ना उसे तौलिया देने जा रही हूँ। ला हम दे देते हैं। नहीं मैं ही दे देती हूँ। नहीं नहीं दीदी जब हम इस घर का नमक खाते हैं तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? दीदी दीदी आप कहाँ हैं? हे राम फिर 7 बज गए। तू एक काम कर यहाँ रुक मैं दे देती हूँ। नहीं नहीं दीदी जब आंख बंद हो जाती है ना तो बुद्धि बहुत तेज काम करती है और फिर ये कादर खानी बीमारी की तो अब हमको आदत हो गई है बचपन से है ना।
कोलबे, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? पानी बहुत ठंडा है क्या? ठंडी की बच्ची, तुम अंदर कैसे आई? हम तो तौलिया देने आए थे जी। तो देखा नहीं, मैं गा रहा हूँ, मेरा मतलब मैं नहा रहा हूँ। काश मैं आपको नहाते हुए देख सकती। What? मेरा मतलब है, काश हम 7 बजे के बाद देख पाते तो फिर हम इस तरह बाथरूम में थोड़ी घुस आते। आपको इस तरह देखने का शौक थोड़ी है हमें। हाँ अजीब लड़की हो तुम, मेरे बाथरूम में घुस आई और अरे शर्म हया है कि नहीं? ऐसी बातें ना करो हवलदार साहब। हवलदार बोल रही है? हवलदार लगता हूँ मैं? अरे इंस्पेक्टर हूँ इंस्पेक्टर। हाँ हाँ कर दीजिए मुझे। मेरी मजबूरी को गाली ना दो, हम ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हम बहुत इज्जतदार घर की लड़की हूँ, कह देती हूँ। हाँ हमारे बापू पुजारी है, लज्जा तो हम में कूट कूट के भरी हुई है। बस भगवान ने न जाने ये कौन सी बीमारी दे दी, 7 बजे के बाद सब अंधेरा हो जाता है और आप कहते हैं कि हमने सब कुछ देख लिया। क्या तुम्हें सचमुच दिखाई नहीं देता? अब हम अपने अंधेपन का मजाक उड़ाएंगे क्या? हाँ तुम क्यों अपने अंधेपन का मजाक उड़ाओगे? देखिए आप रोइए मत, भगवान का भी अजीब खेल है, इतनी सुंदर आंखें और आप रोइए मत। जी चाहता है इन आंखों को हम चूम ले। हीरा, ये आपने क्या कर दिया? और वो भी एक पुजारी की लड़की के साथ? हीरा, ये मैंने क्या कर दिया? वो भी पुजारी की लड़की के साथ? पंचवटी से आगे मैत्री स्वर्ण गुप्त लिखते हैं, लक्ष्मण ने क्रोध में आकर श्रुतरेखा की नाक और कान काट दिए। प्रोफेसर जनार्दन को लाफा मारने का नतीजा पूरा कॉलेज देखेगा, तू भी देख लेना। हट। अरे मैं कह रहा हूँ रुको, छोड़ो इसे। इसी जगह पे थप्पड़ मारा था ना तूने मेरे को? हाँ इसी जगह पे थप्पड़ मारा था इसने मेरे को। आज तुम सबको पता चल जाएगा कि एक थप्पड़ के बदले जनार्दन को एक जिंदगी चाहिए। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। ए चुप कर बदतमीज, जनार्दन पे हाथ उठाने वाले को माफी नहीं मिलती, माफ मिलती है मौत। चुप क्यों रे? तू तो कह रहा तेरा बेटा घर पे नहीं है, पड़ोसी की औलाद है क्या? इंस्पेक्टर गारू चुप, अभी तो मैंने डाल काटने की शुरुआत की है, धीरे धीरे पूरा पेड़ काट दूंगा।
डैडी अब पर आओ गारू, मैंने आपके नमक का हक अदा कर दिया। तुम्हारा जैसा सुअर को वर्दी पहनाकर गवर्नमेंट हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन जब इंस्पेक्टर राम तुमको पूछेगा तो क्या बोलेगा? हथकड़ी लगाकर मुझे जीप से बांध दीजिए, राम को जवाब खुद मिल जाएगा। पुलिस वालों को मारकर जनार्दन को ले जाने की बात समझ में आई, मगर तुझे जिंदा छोड़ जाने की बात अच्छी तरह से समझ में आई। कुलकर्णी कल ये न्यूज छपेगी कि जनार्दन 3 पुलिस वालों को मारकर फरार हो गया। नहीं सर। मरने वालों में अगर तुम्हारा नाम शामिल हो जाए तो किसको पता चलेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। तुम पुलिस वाले हो, एक पुलिस वाले पर गोली नहीं चला सकते तुम। हाँ, पुलिस वाले पर गोली नहीं चला सकते। तुम सच कह रहे हो, एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को नहीं मारता। या तो एक गुंडा पुलिस वाले को मारता है, या तो एक पुलिस वाला गुंडे को। अरे पूजा क्या हुआ? हमें बड़े जोर से चक्कर आ रहा है दीदी। चक्कर है क्या? बुखार तो नहीं है कहीं? अरे उल्टे। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। कौन से डॉक्टर के पास? यही पास में ही है। लाजो जिस डॉक्टर के पास जाती है हमें भी उसी के पास ले चलो ना दीदी। हाँ, पहले तुमको चक्कर आया? हाँ। उसके बाद उल्टी हुआ? हाँ। अच्छा, ऐसा पहले कभी हुआ है? नहीं। तुमको मेरी जैसा खट्टी चीज खाने को दिल करता है? खट्टा? मेरा मतलब है तुमको इमली खाने को मन करता है? हाँ। अचार खाने को मन करता है? हाँ। अच्छा, केड़ी खाने को मन करता है? हाँ। केस इज वेरी सिंपल, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। छक्कों को बुलाओ, डांस बांस कराओ, मिठाई खिलाओ, तुम्हारा सिस्टर खुद अपने बच्चे का माँ बनने वाला है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये और माँ? ये क्या क्या मतलब? ये औरत है, माँ ही बन सकती है, बाप थोड़ी बन सकती है। ये हम क्या सुन रहे हैं? अब हम कर भी क्या सकते हैं? अरे करेंगे तो हम, वो भी घर चल के। सोनियोग्राफी की बातें हो रही है? लड़का होगा कि लड़की? अरे हमारे पास चॉइसोग्राफी भी है। चॉइसोग्राफी? हाँ, चॉइसोग्राफी। अपनी पसंद का बच्चा पैदा करो, हैं? माँ को इंजेक्शन लगाओ, बच्चे के सितारे पेट में ही बदल जाते हैं। अरे कितना मेहनत किया, पसीना बहाया, तब जाकर ये सब इंजेक्शन बनाया है। अपने बच्चे को अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार बनाना है तो ये लाल इंजेक्शन है 10,000 रुपये में। गावस्कर जैसा क्रिकेटर बनाना है तो ये पीला इंजेक्शन है, वो भी 10,000 रुपये में। दारा सिंह जैसा पहलवान बनाना है बिना खिलाए पिलाए तो ये इंजेक्शन है। और अपने बच्चे को मवाली गुंडा बनाना है
शक्ति कपूर गुलशन ग्रोवर है तो ये काला इंजेक्शन है, ये तो हम फ्री में भी देता है, लेकिन बच्चा बड़ा होने के बाद कुछ उल्टा सीधा करेगा तो उसमें हमारा जिम्मेदारी नहीं। लेकिन आजकल तो माइकल जैक्सन का इंजेक्शन है ना, वो बड़ा फेवरेट है। उसकी डिमांड है ना, डिलीवरी के टाइम पे डिस्को म्यूजिक बजाओ, बच्चा गाते नाचते पैदा हो जाता है। माँ को पता तक नहीं चलता है, खाली बाप को पता चलता है कि ये हमारा बच्चा है। डॉक्टर साहब, मुझे रजनीकांत वाला इंजेक्शन मिलेगा? रजनीकांत वो तो मद्रास से इम्पोर्ट करना पड़ेगा, वो बड़ा महंगा है, थोड़ा एडवांस भी देना पड़ेगा, और आजकल उसका राइट्स किसके पास है मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन बच्चे के बाप को तो पूछो कि उसको क्या बनाना है बच्चे को। ठीक है ठीक है, पहले हम बच्चे के बाप से पूछेंगे कि उसे कौन सा इंजेक्शन लगाना है। चल दीदी वो अरे चल ना। अरे अरे धीरे से बाबा, 9 महीने का काम एक ही दिन में कर डालोगी क्या? थैंक यू डॉक्टर। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस मदर एंड चाइल्ड बोथ। झूले लाल की जय। बता किसका पाप लेकर आई है इस घर में? मेरी प्यार को पाप ना कहो दीदी, मैं जो सवाल कर रही हूँ सिर्फ उसका जवाब दे। बता किसका पाप है ये? अब आप पूछ रही है तो बता ही देती हूँ, ये तो इसी आंगन का खिलता हुआ फूल है। इस आंगन का? किसका? बताती हूँ, तुम? छी छी नहीं, ये सब इनका किया कराया है। मेरा? शर्म नहीं आती मेरे देवर पर इल्जाम लगाते हुए? शर्म तो बहुत आती है, मुंह खोलते भी डर लगता है। जेठ जी जो खड़े हैं सामने, ओहो जेठ जी अब रिश्ता भी बना लिया? अब हमने थोड़ी, ये तो इस बच्चे ने रिश्ता बनाया है ना। खामोश, सच सच बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ? जेठ जी को जरा सुनिए आप जरा। हाँ बोलो दीदी। उस दिन जब हमने आपसे आपके बड़े पेट के बारे में पूछा था तो आपने नहीं कहा था कि मर्द पहले हाथ पकड़ लेता है फिर चूम लेता है और फिर पेट बड़ा हो जाता है, कहा था या नहीं? हाँ कहा था। तो फिर पूछिए। मैं उस दिन तौलिया देने गुसलखाने गई थी तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, पकड़ा था या नहीं? पकड़ा था। और फिर हाथ पकड़ने के बाद चूमा था या नहीं? उसको चूमना बोलते हैं। और किसको कहते हैं? तो चूमा था। अब दीदी आपने जब हमें चूमने के बाद कुछ नहीं बताया तो हम कैसे बताएं? राम ये मैं क्या सुन रही हूँ? भाभी ये लड़की ना, ये लड़की बहुत बोलिए ना, ये सब सच है कि नहीं? भाभी मैं भैया की कसम खा के कहता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया इसके अंधे पर मन तरस आकर किया मैंने। दीदी बताने में ये ना शर्मा रहे हैं थोड़े से, दरअसल ये तरस खाकर मुझ पर बरस पड़े। मैं कहाँ बता था? राम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया मुझे खुद अपने आप से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन भैया मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं खुद परेशान होने से क्या फायदा, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि आप बच्चे के बाप बनने वाले हो। कौन सा डॉक्टर है वो? कौन सा डॉक्टर है बताओ मुझे? झूले लाल गया, दुनिया का मशहूर क्रिकेटर ब्रेन लाड़ा का इंजेक्शन बन गया सर। आपको मुबारक हो, आपने तो मार लिया। क्या मार दिया? मैदान मार लिया। 50,000 में बेचूंगा ये इंजेक्शन। अरे कितनी खुश नसीब होगी वो माता जिसके पेट में ये इंजेक्शन लगेगा। अरे उसे ब्रायन लाड़ा जैसा बेटा पैदा होगा। सर मेरा एक सजेशन है। क्या? जिस औरत को भी आप ये इंजेक्शन पेट में लगावे ना उसको एक बैट गिफ्ट में दे देना। बोलाएगा तो मारेगा किससे? सर छोटा मुंह बड़ी बात, आपके साथ काम करते करते पूरे बदन के बाल सफेद हो गए। काले कर करके लोगों को धोखा देता हूँ, लेकिन एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि आप इतने बड़े बड़े लोगों के इंजेक्शन कैसे बना लेते हैं। क्या रात को उनके बेडरूम में घुस कर गंदा आदमी गंदी बातें करता है? अरे मैं जुरासिक पार्क के साइंटिस्ट से इम्प्रेस हो गया। उसने एक मच्छर को पकड़कर उसमें से खून निकालकर एक डायनासोर बनाया, तो क्या मैं बड़े बड़े लोगों के कमरे के बाहर छुपकर उनको काटे हुए मच्छरों को पकड़ पकड़ कर उनमें से खून निकालकर ये इंजेक्शन नहीं बना सकता? बना सकते हैं साहब, बना सकते। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। चुप कर देना खड़ी रहो।
से निकाल। यहाँ खड़ी हो, यहाँ के पागल डॉक्टर आप हैं? जी हाँ, कौन सा इंजेक्शन चाहिए आपको? जी आप ही ने इसे कहा था कि ये माँ बनने वाली है। मैंने? अरे क्या कभी चूमने से कोई माँ बन सकता है? चूमने से माँ बन जाता है कोई? अरे ये इंजेक्शन किसने निकाला? इंजेक्शन के बच्चे पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम लगाने का अंजाम जानते हो तुम? ऑफिसर गंदे गंदे इंजेक्शन बनाता है, लड़की को पागल बनाता है। ये हरकत मेरी नहीं है। तो फिर किसकी है? आई, ये हरकत मेरे कंपाउंडर मूलचंद की होगी। मूली इधर आ। मूली माफ करना डॉक्टर साहब, चबा जाऊंगा मैं तुझे। 500 रुपए की लालच में कंपाउंडर से डॉक्टर बन गया और आप पुराना बना दिया। नाना। मैं नाना बन गया। घूंघट उठाओ, घूंघट उठाओ। तूने ऐसा काम किया, मैं बारबाडोस वेस्ट इंडीज मच्छर पकड़ने क्या चला गया, तूने मेरा नाम मच्छर में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। डैडी आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी पसंद का लड़का खुद चुनूंगी? आई कहा था या नहीं? हाँ हाँ कहा था। तो मैंने चुन लिया। ए, ससुर जी है तो क्या करूं? पांव छुओ। जीते रहो बेटे। बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से मिला? शट अप, संभालो अपनी लड़की को। जीना हराम कर दिया इस लड़की ने। अगर आइंदा मेरे काम में दखल देने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे खानदान को उखाड़ लूंगा, पूरे खानदान को। ससुर जी है, ससुर जी, ससुर जी होंगे अपने घर। ऐसा लड़का चुना तूने? ऐसा लड़का चुना तूने? डैडी बात 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 पर पूरे खानदान को उठा लेता। डैडी एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या है? बड़े अजीब आदमी हो तुम। लोग सच्ची कहते हैं ये पुलिस वाले बड़े कठोर दिल होते हैं। अरे यार यही गलती हुई ना कि हम तुम पर मर मिटे। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मालूम नहीं क्या क्या पापड़ बेले, कितने भेस बदले। तुम्हारा पूरा खानदान पागल है। बाप इंजेक्शन बनाता है, बेटी पापड़ बनाती है, पता नहीं कैसा खानदान है। अरे बाबा गुस्सा थूक दो ना। नहीं थूकूंगा। प्लीज नहीं, मान जाओ ना। नहीं प्लीज मान जाओ ना। Call me on my high, late night when you need my love. You used to call me late night when you need my love. You used to you used to call me on my high, late night when you need my love. You used to You used to call me late night, hey, when you need my love. याद है वो दिन दिया था मैंने, खत किया था मैंने प्यार का इजहार। दोनों थे एक खेल के खिलाड़ी, हो गया था एक दूजे से प्यार। पर किसे पता था एक दिन दोनों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो देखे थे सपने
कहीं वो गुम हो जाएंगे, जो कभी गरज से एक दूजे की परवाह ढूंढेंगे वो दोनों देखो लड़ने की वजह किसे, अरे किसे पता था, बस याद है वो दिन दिया था मैंने खत, You used to call me on my You used to You used to call me on my cell phone You used to You used to You used to call me on my This is your boy Kaka पहुंचते मुझे फोन कर दीजिएगा, मुझे रात को बहुत डर लगता है और अपना ध्यान रखिएगा। वैसे आप कब तक लौट आएंगे? भाभी अभी जाने में 10 मिनट बाकी हैं और पूछ रहे हो कब आएंगे, आ जाएंगे भाई, छोटे बच्चे तो नहीं जो बैंगलोर में घूम जाएंगे। पूजा नजर नहीं आ रही, कहीं वो जौनपुर तो नहीं चली गई? बताओ, बोलो बच्चे, जवाब दो। मैं जवाब दो बच्चे। भाभी नहीं भैया, वो पूजा पूजा बोलो बोलो, भैया पूछ रहे हैं। हाँ, वो भाभी मेरा मतलब पूजा। मैं बताती हूँ, ना तो वो जौनपुर की रहने वाली थी और ना ही उसे कोई अंधेपन की बीमारी थी। मर गया ये लंगूर, उसे भाग गया। इसका प्यार पाने के लिए ना वो जौनपुर वाली बनकर यहाँ आ गई और प्यार पाते ही अपने घर चली गई, लेकिन जाते जाते कह गई है कि अब जब आऊंगी तो वापस नहीं जाऊंगी। फैंटास्टिक, बैंगलोर से वापस आते ही ये काम कर देते और वो लड़की मुझे भी पसंद है, जो इसे पसंद है वो मेरी भी। मेरी भी? मेरी भी। सॉरी।
माना कि इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने कांस्टेबल्स का खून किया, ये भी माना कि राम ने इंस्पेक्टर कुलकर्णी को मारा, लेकिन अदालत तो सिर्फ ये मानेगी कि आपका बेटा पुलिस वालों का खून करके पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। आप लोगों की जरा सी गलती का इंस्पेक्टर राम ने इतना बड़ा फायदा उठाया है। उसने आपके बेटे जनार्दन के खिलाफ इतना मुश्किल केस बनाया है कि उसे बेगुनाह साबित करना नामुमकिन है। अरे रे 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 रे, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं ना करो। देख नहीं रहे हो कितनी उम्र हो गई है, चकरा के लुढ़क जाएंगे। बेटे का गम कोई मामूली गम नहीं ना होता। ऊपर से मिनिस्टर साहब मुर्गी खा के बोले कि इलेक्शन के पहले राम का ट्रांसफर नहीं हो सकता। वो इलेक्शन कमिश्नर है ना, ड्यूटी बहुत टाइट कर दिया है। इसी देखो नर्वसनेस में हम कितना एकदम सटपटा गया हूँ। ना खाने का मन होता है ना पीने का। हाँ, विस्की पीता हूँ तो लगता है कि पानी पी रहा हूँ, साला नशा ही नहीं होता। वो मुर्गी का स्वाद भी आज कल नहीं आता। मेरा बेटा इतना तकलीफ में है, रुपए पैसे का आराम छोड़कर मुंह छुपा कर बैठा है, और तू विस्की और मुर्गी का बात करता है। मैंने तेरे को इधर बहस करने के लिए नहीं बुलाया। तू सरकारी वकील है, कितना नमक खाना है खा, लेकिन कोर्ट में मेरे बेटे का केस कमजोर कर। एक तरीका है मेरे पास, जनार्दन को हिंदुस्तान से बाहर भेज, ना वो पुलिस को मिलेगा ना बात आगे बढ़ेगी। हाँ, और तब तक इलेक्शन भी ना हो जाएगा। अरे यार राम, तूने जनार्दन को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन ढूंढ नहीं सका ना। और देख मैंने कितनी खूबसूरती से उसे बाहर निकालने का रास्ता बनाया। कैसा रास्ता? पुलिस से बचने के लिए मैंने अप्पा राव को सलाह दी है कि जनार्दन को हिंदुस्तान से फरार कर दे, और जनार्दन कल की फ्लाइट से भेस बदल कर दुबई जा रहा है। टोपी उतारिए। अरे मैं कह रहा हूँ टोपी उतारिए। जाइए। But why? अरे मैं कह रहा हूँ okay, okay.
जनार्दन, तेरा सरकारी गोली खाके बहुत तड़पा। बाप की आंख ने बेटे का खून देखा। आज फिर से एक बार मेरी आंख पे सुअर का बाल आ गया। घबरा नहीं, मैं तेरे को नहीं मारेगा। मेरे जनार्दन के जख्म का हिसाब तेरी भाभी और उसकी कोख का बच्चा चुकाएगा। नहीं अब्बा कुत्ते, मर्द की औलाद तो छोड़ मुझे, फिर देख। पुलिस का घर में घुसने वाला नामर्द नहीं होता इंस्पेक्टर गरू। अब्बा राव जो भी करता है सीना ठोक के करता है। इंस्पेक्टर गरू का भाभी अम्मा बनने वाला है, उसको ताकत का जरूरत है। टॉनिक पिलाओ, जहर मिला हुआ शराब पिलाओ। नहीं, छोड़ दो मेरी भाभी को। नहीं, छोड़ दो मेरी भाभी को। तूने मेरे को हथकड़ी लगाया, मैं कुछ नहीं बोला। मेरे नाम पर लोगों को थूकने को लगाया, मैं कुछ नहीं बोला। मेरा बेटा जनार्दन को खींच के घर के बाहर लाया, तब भी मैं कुछ नहीं बोला। अब भी अप्पा राव कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ करेगा। गोटिया, का पॉइजन 15 मिनट में तेरी भाभी को खत्म कर देगा। मैं तेरे को 15 मिनट का टाइम देता है, अपनी भाभी और उसके पेट को बचा ले। अब पाराओ बहुत दयालु है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अप्पा राव, राम
पांच मिनट देर से लेकर आए। शीज नो मोर। जहर सारे जिस्म में फैल चुका था, इसलिए इनकी कोख में पलते हुए बच्चे ने दुनिया में आकर आंखें खोलने से पहले ही आंखें बंद कर ली। I'm sorry. लड़का ऑलरेडी है। लड़का है? कहाँ है? कहाँ है लड़का? मेरे सामने। जिसे तुझ जैसा बेटा मिल जाए उसे दूसरे बेटे की क्या जरूरत है? इधर देख, क्या तुझे मुझ में अपनी मां नजर नहीं आती? इंस्पेक्टर राम यादव के साथ जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं, लिहाजा इसके लिए जिम्मेदार अप्पा राव और उनके साथियों को श्रीमती शकुंतला देवी के खून के लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मेरा फाजिल दोस्त ने बिना किसी कठिनाई के अपनी 150 ग्राम की जबान को हिलाकर ऐसे कर दिया कि अप्पा राव जी और उनके साथियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जैसे सजाना हो हलवा हो। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। आई एम सॉरी सर। जब राम यादव की पुलिस कंप्लेन पर पुलिस अप्पा राव जी को अरेस्ट करने उनके घर पर गई तब अप्पा राव जी घर पर नहीं थे। जज साहब, घर तो छोड़िए, वो तो इस दुनिया में ही नहीं, शहर में ही नहीं थे। जज साहब, जब ये हादसा हुआ तो मैं तिरुपति गया था बालाजी के दर्शन करने। ये कमीना झूठ बोल रहे जज साहब, इसकी बात का यकीन मत कीजिए। आप जो भी कहना चाहते हैं अपनी बारी आने पर कहिए। प्लीज प्रोसीड। सर, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वाकई तिरुपति गए थे? जज साहब, मैं तिरुपति पैदल नहीं गया था। योर ऑनर, ये रहे मेरे मुवक्किल के हवाई जहाज का टिकट और ये होटल और टैक्सी का बिल। अपने नाम के टिकट खरीद कर दूसरों को भी भेजा जा सकता है योर ऑनर। ये टिकट के बहाने अपने जुर्म पे पर्दा नहीं डाल सकते। योर ऑनर, मैं अपने मुवक्किल के ड्राइवर तंबी को अदालत में हाजिर करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? तो तुम अप्पा राव जी के ड्राइवर हो? जी हाँ। कितने सालों से काम कर रहे हो? मेरे को हो गया इनके पास कोई 15 बरस। 24 तारीख की इस वह को तुम कहाँ थे? बताओ बताओ। 24 तारीख को साहब को लेकर मैं एयरपोर्ट छोड़ने गया था। और साहब वापस कब लौटे? दूसरे दिन। साहब को तुमने एयरपोर्ट से निकलते देखा था? हाँ हाँ, अप्पा साहब को गुटिया साहब और शेट्टी साहब के साथ निकलते देखा था, और लोगों को तो साहब मैं नहीं जानता। पॉइंट टू बी नोटेड मिलाड। जज साहब, मेरे को मालूम नहीं था कि तिरुपति की यात्रा के बाद कत्ल का झूठा इल्जाम में मेरे को यहाँ आकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर मेरे को मालूम होता तो मैं अपने आप को निर्दोष बताने के लिए और आपको विश्वास दिलाने के लिए तिरुपति जी का प्रसाद लेके आता, नहीं तो मैं अपना सर मुंडा के आता तो अच्छा होता। इस धोखी कमीने इंसान की बातों पे मत आइए। किसी ने मेरी भाभी का कत्ल किया है, यही है वो शैतान, यही है वो शैतान। आपको जो भी कहना हो विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। आपकी भाभी का कत्ल अप्पा राव और उनके साथियों ने किया, इस बात का कोई ठोस सबूत है आपके पास? अदालत को इस बात का यकीन दिलाने के लिए क्या सबूत पेश करूं? वो रस्सी पेश करूं जिससे मेरी मां समान भाभी को बांध दिया गया था, या वो बोतल पेश करूं जिससे मेरी भाभी को जहरीली शराब पिलाई गई थी, क्या वो बच्चा पेश करूं जो मेरी भाभी की कोख से जन्म लेने से पहले ही मर गया, क्या वो दीवार पेश करूं जो मेरी तड़प और मेरी भाभी की मौत को चुपचाप देखती रही, क्या पेश करूं, क्या पेश करूं मैं, क्या पेश करूं? धारस रखिए, तुम्हारे जज्बातों की मैं कदर करता हूं, लेकिन भैया ये अदालत है ना, ये रिश्तों और जज्बातों से नहीं चलती। अदालत चलती है सबूतों से,
अदालत चलती है गवाहों से, जिन्हें पिछली अदालत की 10 तारीखों से भी तुम पेश नहीं कर सके हो, तो अब क्या करोगे? जहरीली शराब पीने से इनकी भाभी की मौत जरूर हुई है, लेकिन वो शराब अप्पा राव जी ने नहीं दी थी। हकीकत तो ये है योर ऑनर के शकुंतला देवी शराब पीने की आदि थी। योर ऑनर, अब तो मैं ऐसा सबूत पेश करने वाला हूँ जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि शकुंतला देवी ना सिर्फ शराब पीने की आदि थी बल्कि कई मर्दों के साथ उनके देखिए मिलोर, देखिए ये आदमी जाहिल है, पकड़ा गया सर। इसने अप्पा राव जी की भी इसी तरह बेइज्जती की है मिलोर। कभी वहाँ एकता नगर के फसाद के इल्जाम में अरेस्ट कर दिया, कभी इनके आदमियों को उठाकर अंदर बंद कर दिया, तो कभी थूक दानी में मिलोर, थूक दानी में अप्पा राव जी का नाम लिखकर इनकी बेइज्जती की। देखिए अब देखिए मिलोर अपनी भाभी के मरने के इल्जाम में भी ये अप्पा राव जी का नाम लगा रहा है। राव जी बेगुनाह है मिलाद, इसलिए हम अदालत से दरखास्त करता हूँ कि इन्हें इन्हें बाइज्जती बरी किया जाए। हाँ अप्पा राव, नहीं अप्पा राव के खिलाफ कोई भी सबूत या गवाह न मिलने के कारण ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है क्या अप्पा राव बेगुनाह है, लिहाजा ये अदालत अप्पा राव को निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। डॉक्टर साहब, मेरा भाई कैसा है? डॉक्टर साहब, क्या पोजीशन है राम की?
मैंने गोलियां निकाल तो दी हैं और राम खतरे से बाहर भी है, लेकिन लेकिन क्या? राम कोमा में चला गया। डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब कि मेरा भाई कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। कोमा एक लंबी बेहोशी का दूसरा नाम है। इसका मरीज दो दिन में भी होश में आ सकता है, दो महीने में आ सकता है, दो साल में आ सकता है, या फिर कभी नहीं आ सकता है। और जिस बेरहमी से पुलिस वालों ने फर्शनास ऑफिसर पे गोली चलाई, उस लिहाज से तो राम को मर जाना चाहिए था, और उसकी मौत का कोई दुख भी नहीं मनाना चाहिए था, क्योंकि बुराइयों से लड़ते लड़ते जो लोग मर जाते हैं उनकी मौत को मौत नहीं शहादत कहा जाता है, और खुदा को सलामती से ज्यादा कुर्बानी ज्यादा पसंद है। इसीलिए उसने कुरान मजीद में कहा है, वला तकूलू लिमन युक्तला फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहया वलाकिन ला तशुरून, और खुदा की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है लेकिन तुम नहीं समझोगे। क्या क्या मेरा दुश्मन कोमा में गया, जिंदा लाश बनकर अस्पताल में सड़ेगा, मैं नाचूंगा गाऊंगा और तारो पड़तारो वाइस तारो इधो।
जिंदा लाश बन गया। रोने के लिए और किधर जाता, इधर ही जाना पड़ा अप्पा राव के पास। अप्पा राव बहुत दयालु है ना? अप्पा राव तो इंसान नहीं, दरिंदा है। दरिंदा, और दरिंदा कभी दयालु नहीं हो सकता। मेरी दीदी को मार दिया, उस मासूम को मिटा दिया जिसे दुनिया तक नहीं देखी। तेरी वजह से मेरा भाई जिंदगी और मौत की सांसें गिन रहा है, और तू यहाँ मजे लूट रहा है। मैं सिर्फ तुझे इतना कहने आया हूँ कि तू कानून को खरीद सकता है, अदालतों को खरीद सकता है, लेकिन भगवान के उस इंसान को नहीं खरीद सकता। अरे मेरे बीवी बच्चों को कम से कम अस्पताल तो नसीब हुआ, तुझे कभी नाली भी नसीब नहीं होगी। इस घर में तुझे अपने जीते जी अपने पापों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। पारा हिसाब चुकाना पड़ेगा। बहुत बोल गया ये, बहुत गर्मी है इसके अंदर, इसको ठंडा करो। जाओ इसको ठंडा करो। सुनो,
Yes. साहब, लाश की जेब से पर्स और चिट्ठी मिली है। पर्स और चिट्ठी। बहुत देर से ही सही, लेकिन आज मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी हरकतों की वजह से मेरे इज्जतदार, शरीफ और नेक दिल डैडी को हमेशा जलील होना पड़ा। आइंदा ये नौबत ना आए, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। जनार्दन। मान गए अप्पा सर, आपको मान गए। आपने राम के भाई को ठंडा भी करवा दिया और उसकी जेब में जनार्दन साहब की आत्महत्या का लेटर भी डाल दिया और पुलिस समझा कि जनार्दन साहब ने आत्महत्या कर लिया। वाह, मान गए आपको। मुबारक हो बेटी, पूजा की पूजा सफल हो गई, राम को होश आ गया। जानती थी। इंस्पेक्टर राम कोमा में। खादाब, ये खबर किसने छापी? ये झूठी खबर हर जबान के अखबार में मैंने छुपाई। लेकिन क्यों खान साहब? एकता नगर के फसाद में गरीबों की खून में तड़पती हुई लाशें आज तक मेरी आंखों के सामने घूम रही हैं। उस बुढ़िया की चीखें आज तक मेरे कानों में गूंज रही हैं, जिसकी जवान बेटी को जनार्दन ने कॉलेज में जिंदा जला डाला था। और मैं मरते दम तक वो मंजर तो कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह तुम्हारी भाभी ने और उसके होने वाले बच्चे ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा था। और तुम्हें क्या मिला? तुमने कानून से इंसाफ मांगकर तुम्हें गोलियां मिली? राम, जिस तरह एक डॉक्टर एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए उसके जिस्म सड़े हुए हिस्से को काट कर निकाल कर फेंक देता है, उसी तरह तुम भी एक डॉक्टर हो, इस समाज के डॉक्टर हो। ये गुंडागर्दी, ये भ्रष्टाचार उसके जिस्म का सड़ा हुआ हिस्सा है, नासूर है, कैंसर है। उसे काट डालो, उखाड़ कर बाहर फेंक दो, इसे इस समाज को साफ कर दो। तुम कर सकते हो ये काम, तुम सिर्फ कोमा की आड़ में कर सकते हो, क्योंकि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और शहर का बच्चा बच्चा समझता है कि तुम कोमा में हो। इस तरह किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। सोच लो राम, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम? हाँ मैं। लेकिन मैंने तो सुना तुम कोमा में हो। ये झूठी खबर डॉक्टर खान ने फैलाई थी। ये राज की बात खान साहब, पूजा और अब तुम जानते हो कि मैं कोमा में नहीं हूं। समझ गया, ये कोमा का बहाना तुम्हारी जंग का ऐलान है। नागरथ, मुझे जनार्दन चाहिए। लेकिन जनार्दन तो अब इस दुनिया में नहीं है। What? हाँ, उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे अपने पापों का एहसास ना हो वो प्रायश्चित क्या करेगा? ये जरूर अपराव की चाल है। नागरथ, क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकते हो जहां जनार्दन ने आत्महत्या की है? हाँ, यही वो जगह है राम, जहां जनार्दन ने ट्रेन के नीचे अपना सिर देकर आत्महत्या की थी। नागरथ, क्या है राम? अगर ये आत्महत्या तो खून के छींटे दूर दूर तक होने चाहिए थे। ये देखो, खून तो एक ही जगह है। इसका मतलब पहले किसी को मारा गया है, उसके बाद उसकी लाश को लाके फेंका गया है। जब तुझे मैं गुस्से में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरी अपनी दियो अंगूठी को भूल गया है, मेरी नसीहत को भूल गया है कि जब सच ना चले और झूठ बर्दाश्त ना हो तो तू इस अंगूठी को देखकर मुझे याद कर लेना। राम, क्या हुआ?
पूजा, ये मेरा अपना खून है। भैया इस दुनिया में नहीं रहे, भैया इस दुनिया में नहीं रहे। जनार्दन जिंदा है, जनार्दन जिंदा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? माझा नाम विठल राव है, ये मेरी बुजी सगू, आपको अप्पा राव से मिलना है। अप्पा राव से क्यों मिलना आ रहा हूँ? हटो, क्या कर रहे हो? हटो, हटो पीछे, ए, हटो। कि जनार्दन गलती किया होगा, लेकिन वो अब हमसे बहुत दूर चला गया है। दुबई को गया क्या? नहीं बेटी, वो अब इस दुनिया से दूर चला गया है। अय्या, इतना बुड्ढा स्वामी हो गया, कितना झूठ बोलता तुम। कल ही तो वो हमको फोन किया था। क्या बोल दिया मैंने? व्हाट लाउन टाकली, जनार्दन ने नाई मटलो होता ना और बोल दिया ना तुम्हें। कमांडो, निकाल दो धक्के मार कर इनको बाहर। Thank you.
मुझे जनार्दन चाहिए, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जनार्दन चाहिए। नहीं, ठीक है, तुम लोगों में से कोई नहीं बताएगा, मैं खुद ढूंढ लूंगा। This is Black Kaka. Mumble rap. Na pucho, na pucho, kaise yaar hoon, kaise yaar hoon main. Na pucho, na pucho, na pucho, na pucho. Yeah. Na pucho, na pucho. Get one. Let's go. Yeah. Get it up, get it up, get it up, get it up. Kullu Manali, put your hands up. Get it up, get it up. I say get it up, get it up. Get it up, get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up, get it up. Get it up. Kaabil sabhi, lekin safal wahi. Jise khud par bharosa, hazaaron mein. Milti usse hi manzil, na milti chalne se dekho lambi kaaron mein. Lambi kaaron mein. Yeah. Qataron mein hai, dekho khade gayi. Lekin jiska kaam alag, उसकी गिनती होती सितारों में. हारू मैं या जीतू मैं, बस लड़ना इन लहरों से, क्योंकि नहीं मिलती मंजिल खड़े होके किनारों पे. गेट इट अप, गेट इट अप, गेट इट अप. कुल्लू मनाली, पुट योर हैंड्स अप.
I say get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. ये भूमि मेरा जन्म स्थान, यही गुजरे अपनी आखिरी शाम। विनम्र यहाँ हर शख्स, छलाल से लेकर हाथी थान। जश्न जन्नत से रूबरू हम, आके यहाँ जब भूल जगम। पेशकश इंटरनेशनल आमंत्रित, हर व्यक्ति हर धर्म ना कर वहम, बस सहम के तू रह जा। कभी बर्फ की चोटियों, कभी नदी में बह जा। अनसुना अनकहा ये समा टहल जा। Put your hands in the trance, खो जा बहल जा, क्योंकि सर पे मेरे इल्जाम। हाथ सिहाई से रंगे, सीधे मौत का समान है बने ये शब्द मेरे। ना कोई किया कभी कत्ल, खोद दूं तेरी कब्र। तूशी है मेरा नाम, फैला दे ये तू खबर। Get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up. ये बात तो हम सब जानते हैं कि 10-12 रोज पहले आपका 10-12 रोज पहले का तो झूठ था, मजाक था, उसको भूल जाओ। मेरा बेटा जनार्दन तो आज मर गया। आज कमिश्नर गारू, मेरे को कोई छेड़ दिया, अप्पा राव को छेड़ दिया। मेरे बेटे की चिता जलने से पहले अप्पा राव जल गया। इससे पहले कि यह सारे शहर को जलाकर राख कर दे, मैं तेरे को 24 घंटे का टाइम देता। उसको ढूंढो, खत्म कर दो उसे। अगर 24 घंटे के अंदर तुमने अप्पा राव के साथ इंसाफ नहीं किया तो मैं गोटिया, तो मैं तेरे को ये तोहफा देता। तोहफा खोल कर देखो। ताला? हाँ ताला। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अप्पा राव के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो अप्पा राव सारे पुलिस डिपार्टमेंट को ताला लगा देगा। उसके बाद कौन कौन मरेगा, कैसे कैसे मरेगा, अप्पा राव उसका कोई हिसाब नहीं रखेगा। राव साहब, मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट आपकी पूरी मदद करेगा, लेकिन आप कानून हाथ में नहीं लेंगे। अरे कानून हाथ में लेकर तो खेलने का चीज बन गया है, इसीलिए तो मेरा जनार्दन गया। फिर भी अप्पा राव तेरे को 24 घंटे का टाइम देता। 24 घंटे का टाइम। खून पानी का मापिक बहा देगा। 24 घंटे का टाइम देता तेरे को।
गोटिया साहब आइए 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 गोटिया साहब आइए। आप लोग उठिए। क्यों उठे भाई? अरे मैंने कह दिया ना आप लोग उठिए। टिकट है। अरे उठो यार। अरे सीट है हमारी। अरे कमाल पधारिए पधारिए आप लोग भी पधारिए। गोटिया साहब विस्की बियर रम कुछ इंटरवल में ले लेगा और कुछ सेवा? पिक्चर चालू करो। अभी करवाता हूँ अभी। लिसन इंस्पेक्टर राम, जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तुम अप्पा राव का कुछ नहीं कर सकते। जज्बात में आकर किसी को कुछ भी कह देना तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब वो जज्बात में आकर अपने नाम की अंगूठी को मत घुमाया करो मेरे सामने। मुझे चिढ़ आती है तुम्हारी इस हरकत पर। ये अंगूठी मुझे मेरे बड़े भाई की नसीहत याद दिलाती है। वो कहते हैं अगर सच ना चले और झूठ बर्दाश्त ना हो
तो उन्हें याद करके गुस्से को काबू कर लेना चाहिए। राम नहीं आया कमरे में, क्या जवाब देंगे उनको? नीचे देखना। कौन? पुलिस। दरवाजा खोलो। देखिए मरीज की तबीयत नासाज है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। डॉक्टर, मैं कमिश्नर पांडे बोल रहा हूँ, दिस इज माय ऑर्डर, दरवाजा खोलो वरना मुझे तोड़वाना पड़ेगा। एक मिनट। अब क्या होगा? कुछ नहीं, मैं बाहर जाता हूँ और तुम पीछे से फौरन कड़ी लगा देना। राम के आने तक मैं उनको बातों में उलझा रखता हूँ। कम डॉक्टर, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, कड़ी लगा देना, दरवाजा खोल दो। अरे क्या करते हैं कमिश्नर साहब, आपकी इंक्वायरी से ज्यादा मरीज का इलाज जरूरी है, और फिर हॉस्पिटल का कमरा है, आपके आई जी साहब का रूम नहीं कि आपने नॉक किया सीधे अंदर पहुंच गए। विल यू शट अप, मैं अंदर देखना चाहता हूँ राम है कि नहीं। अरे वो कोमा का मरीज है, उसके कमरे में न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। के भी लेक्चर्स, अरे खामखास जिद कर रहे हैं आप। ऑफ फॉक गेट असाइड, चल विद यू। देख ली मेरी मरीज की हालत? डॉक्टर जी, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर बीइंग रूड विद यू। कोई बात नहीं, सॉरी। अरे भाई तुम कहां रह गए थे यार, तुमने हमारी जान निकाल ली। सॉरी सर। एक बात समझ में नहीं आई, ये कमीज साहब तुम्हारे हाथ की तरफ इतना गौर से क्या देख रहे थे? वो ये देखना चाहते थे कि ये अंगूठी मैंने पहनी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ऐसी अंगूठी मेरी गोटिया के हाथ में रह गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि भैया की अंगूठी मेरे पास थी, आज भैया की अंगूठी ने मेरी जान बचा दी। Yeah.
जनार्दन का चिता ठंडा भी नहीं हुआ था कि गोटिया का चिता जल गया। कमिश्नर गारू, ये अलग अलग एरिया का डॉन है, उधर का दादा है। इन सब से पूछा कि तुम्हारा कोई पुराना दुश्मनी तो नहीं था? ये बोला नहीं तो फिर कौन मारा, कौन खून किया? कमिश्नर गारू, राम यादव तुम्हारा ही डिपार्टमेंट का आदमी है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों मिलकर ऐसी बातें करते हैं? आप अपारव जी, आप अपने बेटे और साथी की मौत के गम में ये भी भूल गए कि आप ये इल्जाम पुलिस कमीशन पर लगा रहे हैं? अपारव जी, आप क्या ये समझते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी का साथ दूंगा जो खुद एक कातिल है? अपारव जी, अगर ये सच होता तो मैं हॉस्पिटल में जाकर तहकीकात नहीं करता। आपको ये मालूम नहीं कि राम अभी तक कोमा में है और इसलिए उसका इस मौत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन खून तो हुआ, कौन मारा उन दोनों को, कौन खून किया? वो पाताल से निकल कर आया कि आसमान से उतर कर आया? कौन मारा मेरे जनार्दन को, कौन मार दिया मेरे बेटे को, कौन मारा? इस अंधेरे में तेरी जिंदगी का अंधेरा होना दूर नहीं है शेट्टे।
What? अगर ये सच है तो मैं खुद उसे गिरफ्तार करूंगा अभी और इसी वक्त। सलाम साहब। राम कहाँ है? खान साहब को पता है। खान साहब कहाँ है? वो आपको घर पे मिलेंगे। आइए कमिश्नर साहब, तशरीफ ले आइए। राम कहाँ है? वो तो करोड़ों के दिलों में समाया हुआ है। डोंट बी फनी विद मी। मैं भगवान राम की नहीं, इंस्पेक्टर राम की बात कर रहा हूं, जिसने कोमा की आड़ लेकर इतने सारे कत्ल किए हैं और उसका साथ दिया है तुम जैसे जिम्मेदार डॉक्टर और एक इज्जतदार शहरी ने। तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो? एक मुसलमान होकर तुमने झूठ का साथ दिया? वतन की खातिर मैं तो क्या, हिंदुस्तान का हर मुसलमान झूठ बोलेगा, 100 बार झूठ बोलेगा, और ऐसे झूठ को अल्लाह ताला माफ कर दिया करता है। और कमिश्नर साहब, अप्पाराव जैसे आदमी के साथियों को मारकर राम ने कोई जुर्म नहीं किया। अगर आपकी नजरों में वो जुर्म था तो ये खान राम के जुर्म में बराबर का हिस्सेदार है। दूसरी बात कमिश्नर साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राम के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं और आपका डिपार्टमेंट अपने ही ऑफिसर को इंसाफ दिलाने में पूरी तरह नाकाम रहा। कमिश्नर साहब, परसों आपने ये वर्दी पहनकर अपने आप को आईने में देखा होगा, लेकिन कभी आपने ये पी के पर गौर किया जिस पर ये अशोक का स्तंभ बना हुआ है, जो हमारे देश का निशान है, चिन्ह है? इसको पहनने की खुशनसीबी न हमारे मुल्क के सदर को हासिल है, न वजीर आजम को हासिल है, ये सिर्फ आप जैसे ऑफिसरों को हासिल है जिनके सरों पर हिंदुस्तान की जिम्मेदारी का बोझ रखा हुआ है। और जब ये सर किसी पैसे वाले के सामने झुकता है तो खान हिंदुस्तानी तो क्या, बल्कि हर हिंदुस्तानी को ऐसा लगता है कि उसका हिंदुस्तान झुक रहा है। Listen, मैं यहां तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं इस वक्त राम कहां है। पांडे साहब, खान से पूछ रहे हैं कि राम कहां है? आपको नहीं मालूम है दशहरा है और आज के दिन राम वही मिलेगा जहां रावण होगा। मिलने अपारा से Thank you.
दशहरे का दिन रावण के लिए बहुत बुरा होता है। हमारी पहली मुलाकात भी दशहरे के दिन हुई थी, आज फिर दशहरा है।
सर, आपको तो सुबह ही पता चल गया था कि मैं कोमा में नहीं हूँ और आप मुझे गिरफ्तार करने आ पाए हैं। इसलिए कि रावण दहन हमेशा सूर्यास्त के बाद होता है और मैं एक रावण के जलने का इंतजार कर रहा था। राम, मैं ओहदे में तुमसे बहुत बड़ा हूं, लेकिन आज तुमने ये जो काम कर दिखाया है, तुम्हें क्या सजा देगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ऐ दीवाने दिल, कर दी क्या मुश्किल। ऐ दीवाने दिल, कर दी क्या मुश्किल। इश्क में ऐसा लगे कि मेरी जान निकली जाए। This is Black Kaka. Mumble rap. Na pucho, na pucho, kaise aa raha hu, kaise ja raha hu main. Na pucho, na pucho, na pucho. Yeah. Na pucho, na pucho. Get on. Let's go. Yeah. Get it up, get it up, get it up, get it up. Kullu Manali, put your hands up. Get it up, get it up. I say get it up, get it up. Get it up, get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up, get it up. Get it up. Kabil sabhi, lekin safal wahi, jise khud par bharosa hazaron mein. Milti usse hi manzil, na milti chalne se dekho lambi kaaron mein. Yeah. Qataron mein hai, dekho khade gayi, lekin jiska kaam alag, uski ginti hoti sitaron mein. हारू मैं या जीतू मैं, बस लड़ना इन लहरों से, क्योंकि नहीं मिलती मंजिल खड़े होके किनारों पे। Get it up, get it up, get it up, get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up, get it up. Get it up, get it up, get it up. Get it up, get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up, get it up. Get it up, get it up, get it up, get it up, get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up, get it up. Get it up, get it up, get it up. Get it up, get it up. Kullu Manali, put your hands up. I say get it up, get it up. ये भूमि मेरा जन्म स्थान, यही गुजरे अपनी आखिरी शाम। विनम्र यहाँ हर शख्स, छलाल से लेकर हाथी थान। जश्न जन्नत से रूबरू हम, आके यहाँ जब भूलो जगम। पेशकश इंटरनेशनल आमंत्रित, हर व्यक्ति हर धर्म ना कर वहम, बस सहम के तू रह जा। कभी बर्फ की चोटियों, कभी नदी में बह जा। अनसुना अनकहा ये समा टहल जा। Put your hands in the trance.
खो जा बहल जा क्योंकि सर पे मेरे इल्जाम हाथ सिहाई से रंगे सीधे मौत का समान है बने ये शब्द मेरे ना कोई किया कभी कत्ल खोद दूं तेरी कब्र तूशी है मेरा नाम फैला दे ये तू खबर Gullu manali bu chanza I say get it up, get it up Get it up, get it up, get it up Get it up, get it up Gullu manali bu chanza I say get it up, get it up Get it up, get it up, get it up, get it up, get it up Gullu manali bu chanza I say get it up, get it up Get it up, get it up, get it up Get it up, get it up Gullu manali bu chanza I say get it up, get it up Get it up Yeah. You used to call me on my high. Late night when you need my love. You used to call me. Late night when you need my love. You used to. You used to call me on my high. Late night when you need my love. You used to call me late night. Hey, when you need my love. Yaad hai wo din diya tha maine, khat kiya tha maine, pyar ka izhaar. Dono the ek khel ke khiladi, ho gaya tha ek dusre se pyar. Par kise bata tha ek din dono ki aankhon mein aansu aa jayenge. Jo dekhe the sapne. कहीं वो गुम हो जाएंगे जो कभी करते थे एक दूजे की परवाह ढूंढेंगे वो दोनों देखो लड़ने की वजह किसे अरे किसे पता था बस याद है वो दिन दिया था मैंने खत You used to call me on my You used to You used to call me on my cell phone. You used to. Hey, You used to. You used to call me on my. This is your boy Kaka.